अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से तहफ़ की अपील करते हुए कहा है कि पुरमन एहतजाज के तहफ़ के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, वरना इस बार हम तैयारी के साथ जाएंगे। उनका कहना था कि कल सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं कि पुरमन एहतजाज का हक है कि नहीं, किस बुनियाद पर उन्होंने हमें रोका था। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि आप हमें रूलिंग दें, बताएं कि किस बुनियाद पर हमें रोका गया और इंतशार फैलाया गया। मैंने लोगों को एहतजाज के लिए तारीख देनी है, आइंदा जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गैर जमहूरी अमल की इजाज़त देगी। इमरान खान का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें तहफ़ यानी प्रोटेक्शन देती है तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी, और अगर हमें तहफ़ नहीं मिलता तो मैं सबके सामने कह रहा हूं कि फिर हमारी दूसरी हिकमत अमली होगी, और इस बार हमारी तैयारी नहीं थी लेकिन अब हम तैयारी के साथ जाएंगे। ये मेरे लिए जिहाद है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि शरीफों के केसेस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट खुद करे, मॉनिटरिंग जज लगाए, बड़े बड़े मगरमच्छों को सज़ा नहीं देनी तो मुल्क की जेलें खोल दें। जरदारी और शरीफ जैसे ख़ानदान मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेज रहे हैं। सिर्फ मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपए थे। सारे गरीब ममालिक में नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर बैठे हुए हैं। ये रूल्स ऑफ लॉ की धजियां उड़ाएंगे, अगर ये लोग बैठ गए तो मुल्क की तबाही होगी। सवाल ये है कि जिस तरह से इमरान खान की तरफ से अचानक धरने को मनसूख किया गया तो क्या इससे पीटीआई के कारकुनों के हौसले पस्त हुए या नहीं। तो अब तक की इतलात के मुताबिक कारकुनों के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन थी कि धरना मनसूख कर दिया गया है। इस सूरत हाल को ज़्यादातर कारकुनों ने तस्लीम नहीं किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर कारकुन नौजवान हैं और वो एक जोश और जज्बे से निकले थे। खुद इमरान खान ने भी ये कहा था कि कुछ भी हो जाए धरना उस वक़्त तक दिया जाएगा जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता। इमरान खान ने ज़्यादा खून खराबे से बचने के लिए धरना मौखर किया। ये हालात के मुताबिक दुरुस्त फैसला है क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि डी चौक पर किसी को धरना नहीं देने दिया जाएगा। जब हुकूमत ने कोई लचक नहीं दिखाई तो लड़ाई से मजीद नुकसान होने का ख़तरा मौजूद था। अब इमरान खान और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है कि उन्हें पुरमन एहतजाज करने का ग्रीन सिग्नल मिल जाए, लेकिन अगर ग्रीन सिग्नल मिल भी जाए तब भी एक बड़ी तादाद को इस्लामाबाद इन हालात में लाना मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम मुश्किल ज़रूर है। पहले भी इमरान खान अपने करीबी साथी शेख रशीद से नाराज़ हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया और वो ज़्यादा अफराद इकट्ठे इस लॉन्ग मार्च के लिए नहीं कर सके। वो पार्टी के उन एमपीएस से भी नाला हैं जो लॉन्ग मार्च को छोड़कर वापस चले गए थे। याद रखें, लॉन्ग मार्च सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद के धरने में शामिल हो, वरना हुकूमत इसे हैंडल करने की पोजीशन में है। दूसरी जानिब पंजाब में सियासी बहरान के बादल छटते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपनी काबीना बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी है, साथ ही मियां बलीगो रहमान ने गवर्नर पंजाब का हलफ भी ले लिया है। ऐसी सूरत हाल में लग रहा है कि नून लीग ने मुल्क के सबसे बड़े और बासर सूबे पर अपना कंट्रोल मजीद मजबूत कर लिया है। गवर्नर पंजाब का ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर से है। इनके वालिद मियां अकील रहमान भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं और बहावलपुर से MNA भी रहे। मियां बलीग रहमान पक्के मुस्लिम लीगी हैं और उन्होंने कभी भी पार्टी तब्दील नहीं की। वो मियां नवाज शरीफ की गुडबुक में हैं। मियां नवाज शरीफ ने ही उन्हें गवर्नर लगाने की सिफारिश की थी अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन से। नून लीग ने जनूबी पंजाब से गवर्नर लेकर फेस सेविंग भी की है क्योंकि इस जमात पर यह इल्ज़ाम जनूबी पंजाब से मुतवातर लगाया जाता है कि यह जमात अपर पंजाब के लोगों को अहम ओहदों पर तरजीह देती है। इस दौरान गवर्नर पंजाब को ये जिम्मेदारी सौंपे जाने
का भी इम्कान है कि वो भावलपुर समेत जनूबी पंजाब में नून लीग को मज़ीद मजबूत करें ताकि आइंदा इलेक्शन में जनूबी पंजाब से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की जा सकें। साबका इलेक्शन की अगर बात करें तो साबका इलेक्शन में खुद मियां बलीगो रहमान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फारूक आज़म मलिक से शिकस्त खा गए थे। इसी तरह जनूबी पंजाब में भी ज़्यादातर नशिस्तें पीटीआई के हिस्से में आई थीं। अब देखना यह है कि आइंदा आम इंतखाबात में आवाम किसका साथ देते हैं। सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो आवाम की माशी मुश्किलात को कम करे और इस हवाले से रिलीफ पैकेजेस तैयार करने पर इस वक्त भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। ये रिलीफ पैकेजेस अब चूँकि जून का महीना सर पे आ चुका है तो जून के महीने में बजट भी पेश करना है, तो इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि रिलीफ पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा बजट में ही पेश किए जाएं। देखना ये है कि इमरान खान किस तरीके से वो जो उन्होंने एक माहौल बनाया था, एक मोमेंटम बनाया था, लोगों को वो बाहर निकाल कर आए थे और उनके बड़े जलसे हुए, अब वो अपना टेम्पो किस तरह से बरकरार रख सकते हैं और वो आगे जाकर किस तरीके से हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत भी पूरी तरह से तैयार है। और अगर देखा जाए तो धरना जो मुअख्खर हुआ है तो हुकूमती हलके इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी कही जा सकती है, क्योंकि एक जो जज्बा था लोगों के आने का वो अब पैदा करना इमरान खान के लिए एक मुश्किल काम है। अब देखते हैं कि इमरान खान किस तरीके से इस मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीलॉग तक, और आखिर में ये आपसे गुजारिश के हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें और लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।